कई बार सो का सपना था ये मेरा, तो अब जाके ये देखिए ये मेरे सपनों का घर बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसका नाम मैं सपनों का घर ही रखूंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद मेरा ये सपना अभी पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में मुझे आप लोगों ने ना अच्छे अच्छे कॉमेंट किए कि हमारा घर बन रहा है उसके बारे में। बाकी एक बच्चे ने बोला है कि आंटी जी मेरा नाम ले लेना वीडियो में, तो फिर मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी, मतलब सभी के ही नाम ले लूंगी मैं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, अगर एक आध का नाम मैं लूंगी तो और छूट जाएंगे जो मुझे और कमेंट करते हैं। तो मेरे लिए ना आप सभी मेरे लिए एक समान हो, मतलब बच्चे आप मेरे लिए सभी मेरे बच्चे जैसे हैं, और जो बड़े हैं भाई बहन तो वो सभी मेरे लिए मेरे भाई बहन हैं। तो मैं सबको एक समान मानती हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं चाहती कि किसी का नाम छूट जाए। और आज सुबह सुबह हमने यहाँ पे ना ईंटें रख ली है भिगो करके, ऊपर उतारी है ये गाड़ी से, मतलब घर के पीछे, तो हरदीप ने ऊपर से ला करके यहाँ पे पानी से भिगो करके इनको मतलब गीला कर लिया है, क्योंकि आज ना हमारा चिनाई वाला मिस्त्री आने वाला है और यहाँ पे हमें चिनाई भी करनी थी थोड़ी सी। और इतनी परेशान हो गई थी मैं ना, मुझे मिस्त्री नहीं मिल रहा था चिनाई वाला, और हमारे यहाँ पे ना घर के नज़दीक में ही एक लड़का मिस्त्री का काम करता है, उसका मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो आज मुझे अचानक से ध्यान आया, तो तब मैंने उसको फ़ोन किया, तो आ रहा यहाँ पे थोड़ी सी चिनाई करनी है, तब वो गांव का लड़का आ रहा है यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपके नाम जरूर लूँगी ना, तो सच में ज़रूर लूँगी मैं आपके नाम अभी अगली वीडियो में। तो अभी जो हफ्ता भर में मुझे कॉमेंट आ रहे हैं ना, तो उनके नाम लूँगी मैं, मतलब जो मुझे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। तो पीछे वाले नाम थोड़ा सा मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ काम में। तो आप लोग ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए, तो मुझे फिर आपका नाम भी जल्दी याद रहेगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखा करें आप जिनका भी मुझे नाम लेना होगा, और मुझे ये भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और हमारे घर का काम जो हो रहा है ये भी आपको कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में आप लोग हमें थोड़ी बहुत सलाह दिया कीजिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई मतलब आपको लगे कि इस तरह से करना है, तो वो भी आप बताया करें हमें कि इस तरह से करो आप, तो फिर हम उस पर भी थोड़ा सा मतलब सोचेंगे। क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान ना सभी का इकट्ठा होता है, तो उससे मतलब काम जो है और भी बढ़िया होता है फिर। और नाम वाली वीडियो कल आएगी पक्का, तो मैंने बोल दिया है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट जरूर करना मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना, और साथ में जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी ना हमारे बेल्डिंग वाले जो मिस्त्री है ना, वो भी आने ही वाले हैं, क्योंकि वो मेहमान गए हुए हैं ना शाम के हमारे गाँव में ही। बेल्डिंग वाले मिस्त्री भी हमारे आ गए हैं, और सबसे पहले आज ना सुबह सुबह मिस्त्री के पास ये हमाम दे दिए है। इन्होंने खुद नहीं बोला कि हमाम पहले मैं आपका ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना अंदर कोयले जरा भी ठहरते हैं, और इसको ना जाड़ा लगाएंगे, यहाँ पे तारे लगाएंगे। जब से ये हमाम लिया हुआ है ना, 5-6 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से इसको लिए हुए, तब से पता नहीं माचिस के कितने पैकेट खाली हो गए मेरे, क्योंकि इसमें ना आग ही ठहरती है जरा भी। एक बार आग जलाएंगे फिर जो बुझ जाएगी, तो फिर से माचिस से आग जलानी पड़ती है, तो आप यहाँ पे जाड़े लग जाएंगे इसको ना, तो इसमें फिर बार बार माचिस का काम नहीं अब रहेगा। तो चिनाई वाला मिस्त्री भी आ गया है यहाँ पे, और चिनाई हो गई है शुरू, और हरदीप यहाँ पे मसाला मिक्स कर रहा है। हमारे गेट में पुंडी भी लग गई है, और आज ना हमारा रास्ता यहाँ से शुरू हो गया है। ऐसे तो रोज रोज हम ना यहाँ साइड से, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से, इन दोनों साइड से अंदर जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अभी बंद भी नहीं हुआ था और गेट में कुंडी भी नहीं लगी थी। लेकिन आज ना यहाँ पे हमने चिनाई भी करा ली है, ये देखिए यहाँ पे इस वाले हिस्से में की है ईंट की चिनाई, और इस वाले हिस्से में भी। तो ये दोनों हिस्से ना बीच में खाली थे,
तो ये भी बंद हो गए हैं आज और बढ़िया लग रहे हैं, और गेट में भी कुंडी लग गई है तो ये भी बढ़िया लग रहा है। लेकिन यहाँ पे रह गई है थोड़ी सी कमी अभी, ये देखिए ये दोनों हिस्से ना खाली रह गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ना जो पाइपें लग रही हैं ये हो गई है आज ख़त्म पूरी तरह से। तो अभी हमें ये पाइपें लानी पड़ेगी मतलब दो दिनों में, तो कल संडे है, संडे को तो बाजार बंद रहते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और पांच पाइपों की कमी गई हमें, अगर वो पांच पाइपें हमारी एक्स्ट्रा आ गई होती ना तो हमारे यहाँ पे ना मतलब कमी नहीं जानी थी, काम हमारा पूरा ही हो जाना था। जैसे एक क्विंटल लाए थे हम ये जो पाइप है हमारी इसको, पर यहाँ पे काम भी काफ़ी था ना, ये जाले भी काफ़ी बड़े बड़े बने हमारे, क्योंकि हमने ये जो चिनाई की हुई है ना यहाँ पे, तो इसको हमने नीचे रखा है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा नहीं हमने उठाई है ऊपर, तो इस वजह से फिर लोहा जो है हमारा ज्यादा लगा है। लेकिन ना घर हमारा एकदम सुंदर बन रहा है, और कई वर्षों का सपना था ये मेरा, तो अब जाके ये देखिए ये मेरे सपनों का घर बनके तैयार हो गया है। तो अब ना इसका नाम मैं सपनों का घर ही रखूंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद मेरा ये सपना अभी पूरा होने जा रहा है, तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इस अपने सपनों के घर को देख करके। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा खुश हो रही हूँ अपना घर देख करके। और ये जो हमारी ना पांच पाइपें कम हो गई है यहाँ पे, अगर ये पाइपें कम नहीं हुई होती ना तो आज मतलब ये पूरा ही कंप्लीट हो जाना था। ये जो यहाँ पे बता है गेट के पास में हिस्सा थोड़ा सा ना दोनों तरफ को, तो ये भी नहीं बचना था, मतलब आज पूरा ही कंप्लीट हो जाना था ये काम वेल्डिंग वाला। फिर अगर ये काम एक कंप्लीट हो जाता ना हमारा, तो फिर हमारा और काम शुरू हो जाना था, जैसे कि मतलब साफ सफाई भी है करने को, अभी वेल्डिंग का काम किया हुआ है ना, तो तोड़ फोड़ बहुत ही ज़्यादा हुई है, तो सामान पड़ा है उठाने को, नीचे से लोहा भी और ईंटें भी और सीमेंट का कचरा भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इससे मतलब फुर्सत मिल जानी थी हमें ना, तो एक बार अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी इसकी, वैसे भी साफ़ सफाई तो अभी हमें करनी ही करनी है, ये सामान सारा उठाना है, क्योंकि ये जो हमारा आंगन है ना ये भी पूरा भरा हुआ है आगे से पीछे तक, इसमें सारे सामान बिखरा हुआ है। तो तब ऐसे खलारा पड़ा रहता है घर में जब ऐसे कोई काम चला हुआ होता है, तो रोज़ रोज़ किसने उठाना सामान को, तो मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि ये काम एक बार कम्प्लीट हो जाता ना तो मतलब इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते। तो अभी सामान तो इसमें मतलब ये जो फालतू पड़ा है इसको तो हम उठाने लग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा तो अभी उठा लेंगे हम, जो मतलब अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना उसको अंदर से उठा लेंगे, थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह लगा करके थोड़ा सा चलने लायक बना लेंगे इसको अभी, मतलब नीचे नहीं तो पाँव में भी लगेंगे, अंदर बहुत सारे लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं छोटे छोटे। बिना हमारे घर के पीछे से गाड़ी गई नीचे को, क्योंकि हमारे घर के पीछे ना रोड है, मैं आपको कई बार दिखाती हूँ वीडियो में, तो अब तो हमें ना बहुत सारी सुविधा भी हो गई है इस रोड की वजह से, क्योंकि अब हमें अगर कोई सामान वगैरह लाना होता है ना तो गाड़ी आ जाती है हमारे यहाँ पे, और हमारे जो यहाँ पे आंगन में गाड़ी आ जाती है, लेकिन पीछे ना रेत और बजरी पड़ा हुआ है काफी, तो आगे को अभी मतलब गाड़ी को आने को जगह नहीं है, नहीं तो हम तो सामान यहाँ पे उतारते अपना आंगन में जो भी हमें कुछ लाना होता है। लेकिन पहले हमें ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी ना, जब मैंने ये घर यहाँ पे बनवाया है ना, तो तब हमने यहाँ पे मतलब जो भी मटेरियल लगा हमारा वो पूरा का पूरा मटेरियल जो है ना घोड़े पे लेकर के आए थे हम, बाकी जो बड़ा था मतलब ऐसे लोहा वगैरह सरिया वगैरह उसको तो ऐसे आदमी इकट्ठा करके बुलाए थे ना, तो उसको तो आदमी उठा करके लाए थे, लेकिन रेत बजरी सीमेंट ये पूरा का पूरा सामान जो था इसको हम घोड़े पे उठा करके लाए थे, और बहुत महंगा पड़ा था, तब हमें बहुत कैरिज पड़ा था, अब तो उतना ज़्यादा कैरिज नहीं पड़ता है, अब तो एक ही बार गाड़ी का किराया देते हैं और गाड़ी में सारा सामान जो सीधे ऊपर ही आ जाता है। अब ये घोड़े वाला काम जो है थोड़ा सा खत्म हो गया है, और अभी हमें ना ये घर का काम जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा है करने को, जो कि मतलब हमें अपने हाथों से करना है, तो अपने हाथों से हमें पता भी क्या करना है। ये जो यहाँ पे हमारे ना जाले बने हैं, गेट लगा है पूरा, जितना भी यहाँ पे एंगल लगा ये लोहा लगा, इसको अभी हमें करना है प्राइमर, तो इसको मतलब जो प्राइमर लगेगा ना वो हम खुद ही करेंगे मैं और हरदीप, क्योंकि अगर दिहाड़ी पे आदमी लगाएंगे ना तो आपको तो पता ही है आजकल दिहाड़ी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि चलो अगर इसको हम खुद से कर लेंगे तो थोड़े से पैसे बच जाएंगे, तो कहीं इधर उधर काम आ जाएंगे। एक दो दिन लगेंगे, कितने लगेंगे हमारे जब दोनों यहाँ पे लग जाएंगे, तो पर अभी प्राइमर लाया भी नहीं है दुकान से, वो भी लाएंगे, जैसे मतलब मैंने बोला कि पाइपें भी लानी है, तो जिस दिन पाइपें लाएंगे ना तो उसी दिन प्राइमर भी ले आएंगे, और इनको प्राइमर लगा करके अच्छे से चमकाएंगे इनको, ताकि मतलब ये लोहा जो है ना ये भी जंग लगने से बच जाएगा, और फिर सुंदर भी तभी दिखेगा जब इसको प्राइमर और पेंट करेंगे ना, तभी इसमें चमक भी बढ़िया आती है, और तब फिर एकदम सपनों का घर जो है ना सुंदर दिखता है फिर बढ़िया। तो अब हम ना पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारा कचरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो बड़ा सा दिख रहा है लोहा ना, अभी इसका काम तो कुछ नहीं है, इसको उठा करके हम ऊपर छत पे रख देंगे, बाकी यहाँ पे जो छोटा मोटा
लोहा पड़ा हुआ है ना काट फाट करके, मतलब कटिंग की हुई है ना, उसको वेस्टेज जो पड़ी है नीचे उसको उठा करके मैं यहाँ पे इस वाले डिब्बे में भर के रख लूंगी, क्योंकि ये कबाड़ में बिक जाएगा फिर ना, इसको ऐसे फेंकने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो 10-50 भी बनेगा इसका तो उतना भी काफी है, उसके कम से कम 1 किलो चावल तो आएंगे ही आएंगे हमें खाने के लिए। तो पहले तो इसको यहाँ से उठा करके इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारा वेस्टेज पड़ा हुआ है, जो रोडों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी लोहे के भी, तो ये सारे मतलब बिकते ही बिकते हैं कबाड़ में। तो इस बदल से यहाँ पे इकट्ठा करके झाड़ू वगैरह लगा करके फिर दिखाएंगे आपको कि कैसा लग रहा है हमारा सपनों का घर अभी। तो यहाँ पे अंदर बरामदे में तो मैंने झाड़ू लगा ली है, और इतना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये देखिए आज तो उतनी ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुई, आज तो यहाँ पे हुई थी थोड़ी सी, और बाकी यहाँ पे चिनाई की हुई थी ना, तो इसका जो नीचे गिरा था मसाला तो वो इकट्ठा किया है मैंने। तो ये देखिए एक तसला यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, और धूल तो इतनी ज्यादा उड़ रही है पूरे घर में अभी ना, क्योंकि ये सीमेंट का ही तो है, ये कचरा पड़ा हुआ नीचे जो ऐसे उड़ा है ऊपर को, जैसे कि जो चूल्हे की राख होती है ना वो उड़ती है, उस तरह से सारे घर में फैल रहा है ये कचरा। तो इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे और बोरी में रख लूंगी इसको एक जगह, फिर बाद में ये कहीं काम आ जाएगा, जैसे नीचे कहीं पे फर्श वगैरह डालना होगा ना तो वहाँ पे ये सारे जो है ना ये लग जाएगा, ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा ये मतलब। तो तब मैं इसको इकट्ठा यहाँ पे ऐसे भर रही हूँ एक बर्तन में, और अभी अंदर का हिसाब की है मैंने, बाकी बाहर आंगन का तो पूरे के पूरे ऐसे ही फैला हुआ है, उसको तो भी काफी टाइम लगेगा। अंदर तो अभी देखिए खाली साथ ही फैला थोड़ा सा ना, और यहाँ पे मैंने और हरदीप ने एक पौड़ी लगा ली है, अभी लगाया है इसको, तो जो हमारी टूटी हुई ईंटें थी ना उनको यहाँ पे हमने ऐसे सेट कर लिया अच्छे से, क्योंकि अभी हमारा रास्ता जो है ना तो यहाँ से एक जगह से ही है ऊपर को, ऐसे तो हम साइड से आ जाते हैं अंदर को, लेकिन अभी साइड वाले रास्ते सारे हो गए हैं बंद, नहीं तो हमने ना एक पत्थर की पौड़ी लगाई हुई थी साइड में, तो पत्थर की पौड़ी से हम अंदर चले जाते थे, लेकिन हमें अभी इसी वाली पौड़ी से अंदर जाना होगा। बाकी अभी बात भी यहाँ पे हमें एक पौड़ी तो लगानी है, जितना कि हमारा गेट चौड़ा है ना इतनी चौड़ी हमें पौड़ी लगवानी है, पर फिलहाल के लिए मतलब यही काफ़ी है, इसी से ही हम गुजारा चला लेंगे, क्योंकि हमें अच्छी सी पौड़ी तो लगानी आती नहीं है, तो ऐसे कर लिया हमने छोटा सा जुगाड़ एक। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।